हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इस कोर्स में AWS पे अकाउंट बना के जावा वेब एप्लीकेशन की होस्टिंग करने वाले। तो जैसा कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ कि हम लोग जावा वेब एप्लीकेशन की होस्टिंग करेंगे AWS क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, अमेजॉन वेब सर्विसेज क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने ये कोर्स देखा है या मतलब ये सारी चीज़ें आपने सीखी है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप जावा वेब एप्लीकेशन होस्ट कर पाओगे। इसका मतलब आप सर्वलेट और JSP से बना हुआ एप्लीकेशन होस्ट कर पाओगे, स्प्रिंग से बना हुआ एप्लीकेशन होस्ट कर पाओगे, स्प्रिंग बूट से बना हुआ एप्लीकेशन होस्ट कर पाओगे। इस वीडियो में मैं आपको यही चीज़ सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी जावा वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो और टोटली फ्री, कैसे फ्री में आप होस्ट कर पाओगे। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे AWS के अकाउंट पे यहाँ पे, और आपको ओपन करनी है वेबसाइट https://aws.amazon.com। तो ये चीज़ जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके क्या करिएगा, इस वेबसाइट को ओपन करिएगा। तो जब आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको ये वाली चीज़ दिखेगी। तो बेसिकली यहाँ पे AWS रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हमें करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ कि AWS एक्चुअली है क्या। ये AWS एक्चुअली क्लाउड प्लेटफॉर्म है। क्लाउड प्लेटफॉर्म मतलब ये लोग बहुत सारे सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं और हम लोग को कोई भी हार्डवेयर वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लोग सारी चीज़ देंगे और हम लोग वेब इंटरफेस के थ्रू उन सर्विसेज को यूज़ करेंगे, और वो अलग अलग तरह की एन नंबर ऑफ सर्विसेज हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। हम लोग को सिर्फ यूज़ करनी है, सारे सर्विसेज अमेज़ॉन वाले सब कुछ अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, हमें सिर्फ उनको यूज़ करनी है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग हम लोग उसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। हम लोग को अपना कुछ एक वेरिफिकेशन के लिए अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लगाना होगा, और फिर हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद हम लोग इनका फ्री टियर यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ फ्री टियर दिख रहा है, ये फ्रेंड्स फ्री टियर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो फ्री टियर है ना, ये 12 मंथ के लिए अवेलेबल है, 12 मंथ मतलब एक साल तक आप फ्री टियर यूज़ कर सकते हो। इसकी भी कुछ लिमिट है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लर्न मोर पे जा करके ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, और आपको देखना भी चाहिए। देखिए ऑलवेज फ्री 12 मंथ फ्री ट्रायल्स, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हो कि आप देखिए, एन्जॉय दीज ऑफर्स फॉर द 12 मंथ्स फॉलोइंग योर इनिशियल साइनअप डेट टू AWS। जिस दिन से आप साइनअप करोगे उस दिन से 12 मंथ तक ये सारी चीज़ें क्या हैं, फ्री हैं। फ्री टियर में आप देख सकते हो 12 मंथ तक 750 आवर्स फ्री है पर मंथ, मतलब एक महीने में अगर 750 आवर्स EC2 यूज़ करते हो तो फ्री है। अगर आप 5GB Amazon S3 यूज़ करते हो तो फ्री है। तो हम लोग बेसिकली ये EC2 इंस्टेंस, EC2 स्टैंड फॉर एलास्टिक कंप्यूटिंग 2, तो हम लोग अमेजॉन एलास्टिक कंप्यूटिंग यूज़ करेंगे। हर महीने 750 घंटे हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री में यूज़ कर सकते हैं। कब तक यूज़ कर सकते हैं, 12 महीने तक। तो हम लोग एक बार साइनअप कर लेंगे और 12 मंथ तक हम लोग हर महीने 750 घंटे यूज़ कर पाएंगे फ्री में। तो मैं इसी EC2 को यूज़ करके सिखाऊंगा कैसे आप जावा वेब एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो। तो इस पूरे वीडियोस में मैं आपको जावा के बारे में बताऊंगा, बट अगर आप थोड़ा सा भी इस कॉन्सेप्ट को सीख लोगे, कैसे आप इमेज लिनक्स को इंस्टॉल करोगे, कैसे आप लिनक्स के सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के बाद थोड़ा सा भी अगर आपने दिमाग लगाया तो आप क्या कर पाओगे, आप वहाँ पे पाइथन की हेल्प से जेंगो होस्ट करा सकते हो, Node.js होस्ट करा सकते हो, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन होस्ट करा सकते हो, बस आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। तो चलिए अब बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, साइनअप कंप्लीट करते हैं। इस पर साइनअप मैं बताता हूँ कैसे आपको साइनअप करना है। तो आप यहाँ पे बटन देख पाओगे कंप्लीट साइनअप हियर, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कंप्लीट साइनअप आ रहा है, इस पर क्लिक कर दोगे और इंटरनेट आपके कंप्यूटर में एक्टिव होना चाहिए, फिर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे साइन इन दिख रहा है। तो अभी तक तो हमने साइनअप किया नहीं तो साइन इन नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, एक नया AWS का अकाउंट बनाऊंगा। और सिंपली आप क्या करिए, अपनी जेन्युइन ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और अपना एक नाम चूज कर लीजिए जो कि AWS अकाउंट नेम होगा, ठीक है। अब ईमेल आईडी हम लोग सही क्यों डालें, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई फर्जी डाल दो, फ्री में तो यूज़ करना उसके बाद हटा देना है। तो हम लोग यहाँ पे सही इसलिए डालेंगे क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो इसी ईमेल पे हमें मैसेज आएगा, ईमेल आएगा। सपोज़ आप 750 घंटे आपको फ्री मिल रहे हैं हर महीने, आपकी फ्री लिमिट जो है वो
एक्सीड कर गई। एक्सीड करने का मतलब आप 750 यूज़ कर रहे हो, 800 हो गई, तो उस जो एक्सीड टाइम आपने किया है अमेजॉन उसका चार्ज करेगा। और अमेजॉन क्लाउड सर्विस है तो जितना आप यूज़ करोगे उस हिसाब से चार्ज करता है। तो अगर आप फ्री टियर की जो टाइम पीरियड है उस एक्सीड कर जाओगे तो ऑब्वियस ही बात कुछ चार्ज करेगा। तो जब एक्सीड कर पाओगे तो आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन भेजना होगा AWS को, तो वो क्या करेगा, वो आपके अमेजॉन वाली लिंक्ड ईमेल आईडी पे सेंड करेगा। तो इसीलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ईमेल आईडी आप जेन्युइन डालोगे। तो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल रखी, अपनी ईमेल आईडी डाल दी, अपना पासवर्ड कंफर्म डाल दिया और अपना नाम डाल दिया। अब सिंपली मैं कंटिन्यू करूँगा और आप क्या करोगे, यहाँ पे ये आपके अकाउंट के बारे में कुछ पूछेगा। प्लीज सेलेक्ट अकाउंट टाइप एंड कंप्लीट द फील्ड बिलो विद योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको सारी चीज़ जेनुइन भरनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए तो आप यहाँ पे प्रोफेशनल चूज़ करोगे, अदरवाइज आप पर्सनल के लिए बना रहे हो तो आप यहाँ पर्सनल चूज़ कर लोगे, ठीक है। अपना नाम डाल दोगे, फ़ोन डाल दोगे, रीज़न डाल दोगे, ठीक है। फ़ोन नंबर वगैरह मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ फिल कर दोगे, अपना कंट्री वगैरह डाल दोगे, एड्रेस डाल दोगे, सिटी डाल दोगे, फिर अपना स्टेट डाल दोगे, पोस्टल कोड डाल दोगे और क्रिएट अकाउंट कर दोगे। तो जब आप क्रिएट अकाउंट कर दोगे तो आपसे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगेगा, आप उस चीज़ को भी वेरीफाई कर लोगे। वो आपके अकाउंट से 2 रुपये, अगर आप डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वो 2 रुपये आपके अकाउंट से काटेगा भी वेरीफाई करने के लिए, बाद में वो रिफंड कर देगा। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप आराम से वेरीफाई कर दीजिएगा अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इंडिया में बेसिकली ये दो चीज़ दो कार्ड टाइप एक्सेप्ट करता है, डेबिट कार्ड की बात कर रहा हूँ। एक तो आप मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने मास्टर कार्ड से बनाया है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा वीज़ा कार्ड से मैंने बनाया तो एक्सेप्ट कर लिया। बाकी अगर आप रुपए यूज़ करोगे तो शायद अमेज़ॉन वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। आप कोशिश करो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड यूज़ करोगे, डेबिट कार्ड अगर आप यूज़ करो, अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये अकाउंट से आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है और आप डेबिट कार्ड दे सकते हो, कोई इशू नहीं। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा अकाउंट वेरीफाई करने में। तो जब आप दोबारा लॉगिन करोगे, लॉगिन कैसे करोगे, आप सिंपली यहाँ पे आ जाओगे। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपको ये वाली लिंक ओपन करनी है, ठीक है। https://aws.amazon.com/console, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपली आप क्या करोगे, इस लिंक को आप ओपन करोगे और आप सिंपली यहाँ पे लॉग इन बैक इन है, यहाँ पे क्लिक कर दोगे और ये आपको लॉग इन के लिए ले जाएगा। आप सिंपली अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दोगे, ठीक है। ये देखिए, रूट यूज़र एज अ लॉग इन करिएगा तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। जब आप नेक्स्ट कर लोगे तो आपको पासवर्ड डालना होगा, आप पासवर्ड डाल दीजिएगा। तो क्या करेगा, आपका ये होम पेज ओपन कर देगा, ये AWS मैनेजमेंट कंसोल। ये बेसिकली आपका AWS मैनेजमेंट कंसोल है और ये सर्विसेज एक्टिवेट होने में थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है, अप टू 24 आवर्स, 24 घंटे का टाइम लग सकता है। तो जैसे ही आप तुरंत लॉगिन करोगे तो ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और हम लोग यूज़ करने वाले हैं इलास्टिक इंस्टेंस टू EC2। तो अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले EC2 दिख रहा है क्योंकि मैंने रिसेंटली विजिटेड, मैं सर्विस पे जा चुका हूँ तो आपको यहाँ दिख रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे एग्जाम्पल सर्च भी कर सकते हो EC2, ठीक है। तो सबसे पहली वेबसाइट वर्चुअल सर्वर, ये जो है ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है, ठीक है। तो ये हमारा खुद का एक सर्वर होगा, तो इसीलिए वर्चुअल सर्वर देखिए, वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड्स। आप सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपका EC2 इंस्टेंस का पूरा कंसोल ओपन कर देगा, पूरा पूरा पैनल ओपन कर देगा। देखिए ये पैनल है और ये नया पैनल है, हम इस मैसेज को मिनिमाइज कर देते हैं। और ये हमारा मैसेज, ये पूरा पैनल है, यहाँ से हम अपने जितने भी EC2 इंस्टेंसेस हैं वो लॉन्च कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है लॉन्च इंस्टेंस, हम यहाँ से इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हैं। रनिंग इंस्टेंस है तो देख सकते हैं, कोई इलास्टिक IP एड्रेस है तो देख सकते हैं, डेडिकेटेड होस्ट हम लोग यूज़ करेंगे तो देख सकते हैं, लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे देख सकते हैं, की पेयर है कितने यूज़ कर रहे हैं। तो अभी मैं कुछ नहीं यूज़ कर रहा हूँ, देखो रनिंग इंस्टेंस भी 0 आ रहा है, स्नैपशॉट्स भी 0 आ रहा है, इंस्टेंस भी अभी मैं लॉन्च करूंगा क्योंकि हमें लॉन्च करना पड़ेगा, नया एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बनाएंगे। तो हम लोगों ने साइन अप कर लिया, लॉगिन कर लिया, यहाँ तक आप पहुँच गए हो। अब मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अकाउंट सही से एक्टिवेट नहीं हुआ होगा तो इट मे टेक 24 आवर्स टू एक्टिवेट दिस अकाउंट, 24 घंटे का टाइम लगता है अगर आपने प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन किया है तो अगर बार बार रिडायरेक्ट ये
अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो हो सकता है किसी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर लें, तो आपको ये वेट कर लेना है जब तक आपको ये पैनल ओपन मिल नहीं जाता है, तभी हम लोग इंस्टेंस नया लॉन्च कर पाएंगे। अगर आपका ये वाला पैनल ओपन नहीं हुआ EC2 इंस्टेंस का, तो आप इंस्टेंसेस लॉन्च नहीं कर पाओगे। तो आप साइनअप अच्छे से कंप्लीट करना, वहाँ से अपना अकाउंट मास्टर जो भी कार्ड ऐड किया उसको वेरीफाई करना, लॉग इन करना, EC2 इंस्टेंस एक्टिवेट, EC2 इंस्टेंस का जो है पैनल है इस पे आ जाना, उसके बाद का हम लोग प्रोसीजर सीखते हैं कैसे करना है। अगर आपको एक्टिवेट अकाउंट में कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हो, इनके सपोर्ट को मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो कि एक्टिवेट नहीं हुआ भाई, क्या रीज़न है। अगर आपका पेमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो वो सारी चीज़ें आप प्रॉब्लम बाद की बात है, अगर नहीं हुआ उस केस में क्या कर सकते हो, आप सपोर्ट को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बट इनिशियल साइनअप में इतना ज़रूरी आप यहाँ आ जाओगे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, कैसे इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे, इस वाले बटन पर कैसे क्लिक करेंगे और फ्री टीयर कैसे यूज़ करेंगे। बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करनी है।